परमेश्वर का अब्राहम से वादा। ये कहानी हमें पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 15वें अध्याय में मिलती है। ये परमेश्वर के उस वादे के बारे में है जो उसने अब्राम से किया था। अब्राम 13 का बेटा था। 13 205 वर्ष जीवित रहा, फिर हारान में उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी नूह के समय के कई साल बाद की है। अब्राम नाम का एक आदमी था। वो बहुत अच्छा आदमी था। उसके पास बहुत सारी भेड़े और मवेशी थे। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से अब्राहम रख दिया था। वो अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत के साथ हारान देश में रहता था, जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसकी कोई संतान न थी। फिर एक दिन परमेश्वर अब्राम के पास आया और उसने उससे कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़ दो, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, लोग तुम्हारे नाम का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे, मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हारा भला करेंगे, किंतु उनको दंड दूंगा जो तुम्हारा बुरा करेंगे। पृथ्वी के सारे मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा। ये काफी बड़ा वादा था जो परमेश्वर ने अब्राम से किया था, लेकिन थोड़ा चिंताजनक भी था। इसका मतलब यह भी था कि अब अब्राम को वो जगह छोड़नी होगी जिसे वो जानता था और जहां उसका बचपन बीता था, और उसे ऐसी जगह जाना था जिसे वह नहीं जानता था। उसे बस परमेश्वर पर भरोसा करना था और परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते जाना था। और फिर अब्राम ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर उससे चाहता था। अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को अपने साथ ले गया। उन्होंने हारान देश में अपना सब कुछ समेट लिया और कनान देश में चले गए। यही वो भूमि थी जिस पर परमेश्वर उसे ले जाने वाला था। यह एक आसान कदम नहीं था। उस समय अब्राम 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अपना सब कुछ छोड़ दे। और आपको बता दूं कि हारान से कनान बहुत दूर था। हारान और कनान के बीच कुल सीधी दूरी 12,180 किलोमीटर की थी। और फिर कई साल बाद एक रात जब अब्राम दिन भर की मेहनत के बाद अपने डेरे में आराम कर रहा था, उन दिनों लोग तंबू में रहा करते थे क्योंकि उन्हें अपनी बहुत सी भेड़ों और मवेशियों के लिए भोजन खोजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यह किसी भी अन्य रात की तरह एक रात थी जब परमेश्वर अब्राम के पास प्रकट हुए। और फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। किंतु अब्राम ने कहा, हे यहोवा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तू मुझे देगा और वह मुझे प्रसन्न करेगा, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरा दास दमिश्क का निवासी एलियेजर मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ पाएगा। तू ही देख, तूने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया है, इसलिए मेरे घर में पैदा एक दास मेरी सभी चीजें पाएगा। तब यहोवा ने अब्राम से बातें की और उससे कहा, तुम्हारी चीजों को तुम्हारा यह दास नहीं पाएगा, तुमको एक पुत्र होगा और वही तुम्हारी चीजें पाएगा। तब परमेश्वर अब्राम को बाहर ले गया और कहा, आकाश को देखो, अनेक तारों को देखो, ये इतने हैं कि तुम गिन नहीं सकते, भविष्य में तुम्हारा कुटुंब ऐसा ही होगा। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मैं ही वह यहोवा हूँ जो तुम्हें कसदियों के ऊर से बाहर लाया। यह मैंने इसलिए किया ताकि यह प्रदेश मैं तुम्हें दे सकूं और तुम इस प्रदेश को अपने कब्जे में कर सको। किंतु अब्राम बोला, हे यहोवा, मेरे स्वामी, मुझे कैसे विश्वास हो कि यह प्रदेश मुझे मिलेगा? तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, हम लोग एक वाचा बांधेंगे, तुम मुझको 3 वर्ष की एक गाय, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष की एक भेड़ लाओ, एक फाख्ता और एक कबूतर का बच्चा भी लाओ। फिर अब्राम ये सभी चीजें परमेश्वर के पास लाया और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े न किया। थोड़ी देर बाद मांसाहारी पक्षी उन मृत जीवों को खाने के लिए नीचे आए, किंतु अब्राम ने उनको भगा दिया। बाद में जब सूरज डूबने लगा तो अब्राम को गहरी नींद आ गई और घनघोर अंधकार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।
तब यहोवा ने अब्राम से कहा, तुम्हें ये बातें जाननी चाहिए कि तुम्हारे वंशज पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और वे उस देश में जाएंगे जो उनका नहीं होगा। वे वहां दास होंगे, 400 वर्ष तक उनके साथ बुरा व्यवहार होगा। फिर मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा तथा उसे सजा दूंगा जिसने उन्हें गुलाम बनाया। और जब तुम्हारे बाद आने वाले लोग उस देश को छोड़ेंगे तो अपने साथ अनेक अच्छी वस्तुएं ले जाएंगे। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने इसराइलियों के विषय में की थी जब वे मिस्र में गुलाम थे। और यदि आप मिस्र की गुलामी की कहानी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फिर यहोवा ने कहा, तुम बहुत लंबी आयु तक जीवित रहोगे, तुम शांति के साथ मरोगे और तुम अपने पुरखाओं के पास दफनाए जाओगे। 4 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे लोग इसी प्रदेश में फिर आएंगे। उस समय तुम्हारे लोग एमोरियों को हराएंगे। यहाँ रहने वाले एमोरियों को दंड देने के लिए मैं तुम्हारे लोगों का प्रयोग करूँगा। यह बात भविष्य में होगी क्योंकि एमोरी दंड पाने योग्य बुरे अभी नहीं हुए हैं। इसके बाद जब सूरज ढल गया तो बहुत अंधेरा छा गया। मृत जानवर अभी तक जमीन पर पड़े हुए थे। हर जानवर 2 भागों में कटे पड़े थे। उसी समय धुएं तथा आग का एक खंबा मरे जानवरों के टुकड़ों के बीच से गुजरा। इस तरह उस दिन यहोवा ने अब्राम को वचन दिया और उसके साथ वाचा की। यहोवा ने कहा, मैं ये प्रदेश तुम्हारे वंशजों को दूंगा। मैं मिस्र की नदी और बड़ी नदी परात के बीच का प्रदेश उनको दूंगा। यह देश केनी, कनिज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिरगाशी तथा यबूसी लोगों का है। यह वही प्रदेश है जहां मूसा सारे इसराइलियों को लेके जा रहा था। ये ठीक उसी तरह हो रहा था जैसा परमेश्वर ने अब्राम को वादा किया था। तो आइए देखें ये कहानी हमें क्या बताती है। परमेश्वर बड़े वादे करता है। परमेश्वर पृथ्वी के सभी लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर भविष्य जानता है और अब्राहम को भी उसने बताया कि क्या होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है, आकाश में तारों की संख्या भी। ये कहानी हमें प्रतीक्षा करने के बारे में बताती है। हम में से अधिकांश को प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता, पर सच्चाई यही है कि हमें प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है। हम फास्ट फूड खाते हैं, इंटरनेट से तेजी से उत्तर प्राप्त करते हैं, तेज कारों में घूमते हैं। इस फास्ट दुनिया में हम भूल गए हैं कि प्रतीक्षा करना किसे कहते हैं। हम सभी को हर चीज जल्द से जल्द चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब कोई हमसे वादा करता है तो हमें तेजी से परिणाम की उम्मीद होती है। लेकिन ये याद रखें, जब वह वादा परमेश्वर की ओर से आता है तो तेज परिणाम हमेशा उसका हिस्सा नहीं होता है। अब अब्राहम के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वह उसे एक नए देश में ले जाएगा, उसे एक पुत्र देगा और अब्राहम के माध्यम से दुनिया को आशीर्वाद मिलेगा। कनान देश तो वो पहुंच गया, पर बच्चे का सुख उसे 25 साल बाद मिला जब वह 100 वर्ष का हुआ। और ये बड़ा आशीर्वाद था अब्राहम के जीवन में। और फिर 400 वर्षों की गुलामी के बाद अब्राहम के वंशज अपने देश कनान को लौटे और ये सब होने में उनकी 4th पीढ़ी आ चुकी थी। परमेश्वर हमेशा अपने वादों को याद रखता है और हर चीज का एक सही समय होता है। और जब सही समय आता है तो वो चीज हम लोगों को मिल जाती है। यह अच्छी खबर है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे भी कुछ वादे किए हैं जो हमें पवित्र बाइबल में मिलते हैं। उनमें से जैसे कि एक हमें यर्मिया के 29वें अध्याय के 11वें और 12वें पद में मिलता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो यही समय है जब हम सबको परमेश्वर के उन वादों के बारे में पवित्र बाइबल से पढ़ना है और उन्हें समझने का प्रयास करना है। और अभी हम सबके पास ये विचार करने का भी अवसर है कि क्या
हम सब वास्तव में परमेश्वर के उन अद्भुत वादों पर भरोसा करते हैं या नहीं? क्योंकि यदि हम परमेश्वर को और उसके वचनों को सुनते और समझते हैं, तो यह हमारे जीने के तरीके को बदल देता है और उसे और भी सुंदर बना देता है। इससे हमारी पीढ़ियों को भी परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसा कि अब्राहम के जीवन में हुआ और परमेश्वर ने उसकी आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें परमेश्वर की भविष्यवाणियों के बारे में भी बताती है। जो कुछ इसराइलियों के साथ मिस्र में हुआ, उसका जिक्र परमेश्वर ने अब्राहम से कई सौ साल पहले ही कर दिया था, और वो सब वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था। बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो हम सबों के लिए भी हैं। बाइबल की कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, पर कुछ अभी बाकी हैं। और जब सब पूरी हो जाएंगी, तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और अब जब समय निकट है, तो हम सबको उसके लिए तैयार रहना है। परमेश्वर द्वारा अब्राहम के लिए किए गए सारे वादे और भविष्यवाणियां सच थे, और हम सबसे भी किए गए सारे वादे और भविष्यवाणियां जो भी पवित्र बाइबल में दर्ज हैं, वो भी सच हैं। तो ये था परमेश्वर का अब्राहम से वादा। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको बाइबल की कहानियां अच्छी लगती हैं, तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुंचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।